नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली मजबूती की, वरुण गांधी की खुली बगावत की, बात करेंगे हरियाणा की बीजेपी सरकार पर आए संकट की, मुश्किल में फंसे पीएम मोदी की, जानेंगे अडानी ग्रुप को क्यों मारनी पड़ी पलटी, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ईडी से सुप्रीम कोर्ट का सवाल, बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट क्यों, ये गलत प्रैक्टिस, इससे ट्रायल शुरू नहीं होता, आरोपी को जमानत नहीं मिल पाती, मनीष सिसोदिया की जमानत का किया जिक्र। बिहार लोक सेवा आयोग ने पेपर लीक के आरोपों के बाद 15 मार्च को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की रद्द, बीपीएससी ने जारी किया नोटिस। जल्द ही पशुपति पारस होंगे इंडिया गठबंधन में शामिल, लालू की हरी झंडी का इंतजार, मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे चुके हैं पारस। और शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 90 अंकों की तेजी के साथ 72,102 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 22 अंकों की तेजी के साथ 21,839 अंक पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा चुनाव में आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और पहले ही दिन कांग्रेस में कई दिग्गज नेता शामिल हो गए। बिहार में तो एक पार्टी का कांग्रेस में ही विलय हो गया, जिससे कांग्रेस के साथ ही इंडिया को भी मजबूती मिली है। देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में तेजी से माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस भी तेजी से मजबूत हुई, जिसके बाद अब पार्टी में कई दिग्गज नेता एंट्री लेने की कोशिश में जुटे हुए हैं। 20 मार्च को कांग्रेस मुख्यालय में जबरदस्त गहमा गहमी बनी रही, क्योंकि दूसरे दलों से एक के बाद एक दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, जिसमें प्रमुख नाम पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का था। उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय कर दिया। यादव और उनके पुत्र सार्थक ने कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने पार्टी में उनका स्वागत किया। इस दौरान पप्पू यादव ने कहा कि मेरी विचारधारा हमेशा कांग्रेस की विचारधारा के करीब रही है। राहुल गांधी संघर्ष के प्रतीक हैं। उन्होंने देश के लिए एक उम्मीद जगाई है। हम 2024 जीतेंगे और इसके बाद बिहार में 2025 में भी जीतेंगे। बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। पप्पू यादव को कांग्रेस पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ा सकती है। पप्पू यादव का सीमांचल और कोसी क्षेत्र में अच्छा प्रभाव माना जाता है, जिसका इंडिया गठबंधन को भी फायदा मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली भी औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। पार्टी उन्हें अमरोहा से उम्मीदवार बना सकती है। इसके अलावा कांग्रेस ने आज बीजेपी को बड़ा झटका दिया है, साथ ही उसके हिसाब किताब भी बराबर किए हैं। एक दिन पहले जेएमएम की विधायक सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हुई थी, तो आज झारखंड बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री जेपी पटेल बुधवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जेपी पटेल को कांग्रेस टिकट पर हजारीबाग सीट से उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना है। हालांकि ये भी संभावना है कि हजारीबाग की जगह गिरिडीह सीट कांग्रेस के खाते में आने से उन्हें गिरिडीह लोकसभा सीट से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कांग्रेस तेजी के साथ मजबूत हो रही है, दूसरी पार्टियों के दिग्गज नेता हाथ थाम रहे हैं, तो बीजेपी में बगावत के हालात दिखाई दे रहे हैं। एक के बाद एक नेता हाईकमान को आंख दिखा रहे हैं और अब पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी बगावत के संकेत दे दिए हैं। तो क्या कहा है वरुण गांधी ने, देखिए ये रिपोर्ट। वरुण गांधी ने लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी तेज कर दी है। पीलीभीत सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। वरुण पीलीभीत से ही सांसद हैं और उन्होंने पहले ही दिन लोकसभा उम्मीदवारी के नामांकन का पर्चा खरीद लिया है। बताया जा रहा है कि वरुण गांधी के प्रतिनिधि दिल्ली से आए थे, उन्होंने 4 सेट नॉमिनेशन पेपर खरीदा और वापस दिल्ली चले गए, जिसके बाद तय हो गया है कि अगर बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह किसी और को टिकट दिया तो वरुण निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। अभी तक पीलीभीत सीट से इंडिया गठबंधन ने भी अपने उम्मीदवार का नाम ऐलान नहीं किया है। इस बीच दावा किया जा रहा है कि पीलीभीत सीट को लेकर सपा मुख्यालय में अखिलेश यादव ने अहम बैठक की। इस बैठक में 6 से ज्यादा उम्मीदवारों के साथ साथ पीलीभीत सांसद वरुण गांधी के नाम पर भी चर्चा हुई। पीलीभीत के सपा जिला अध्यक्ष जगदेव सिंह ने भी स्वीकार किया कि वरुण पर हमारी पार्टी की नजर है। अखिलेश यादव ने भी संकेत दिए हैं कि वरुण गांधी अगर सपा में आते हैं तो हम उन्हें पीलीभीत से टिकट देने को तैयार हैं। यानी सपा ने वरुण के लिए दरवाजे खोल कर रखे हुए हैं। वरुण अगर निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं
तो भी उन्हें इंडिया गठबंधन का समर्थन मिलना तय माना जा रहा है। पीलीभीत सीट की बात करें तो 1989 से इस सीट पर 6 बार मेनका गांधी और 2 बार वरुण गांधी चुनाव जीत चुके हैं और हर बार उनकी जीत बड़े मार्जिन से होती रही है। ऐसे में इस सीट की पहचान ही मेनका वरुण गांधी के नाम से होती है। ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल और खड़ी हो गई है क्योंकि प्रदेश इकाई वरुण की उम्मीदवारी का विरोध कर रही है, तो वरुण गांधी के तेवर बता रहे हैं कि वो अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। वरुण गांधी को लेकर अब बीजेपी मुसीबत में फंस गई है। टिकट देती है तो मुश्किल और नहीं देती है तो मुश्किल। बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ यूपी में ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। वो मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है, खास तौर पर हरियाणा में, जहाँ कांग्रेस पहले से ही मजबूत है और राज्य की बीजेपी सरकार लगातार संकट में घिरती दिख रही है। तो अब कहाँ से आया है संकट, देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी की कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में वकील जगमोहन सिंह भट्टी ने एक याचिका दायर की है जिसमें दावा किया गया कि नायब सिंह सैनी एक ही समय में मुख्यमंत्री और सांसद दोनों पद नहीं संभाल सकते हैं। सैनी सांसद हैं, उन्होंने पद से इस्तीफा भी नहीं दिया है और अब वो हरियाणा के सीएम भी बन गए हैं, जो पूरी तरह से गलत है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की खंडपीठ ने केंद्र और हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया है। भट्टी ने हाल ही में शपथ लेने वाले 5 अन्य मंत्रियों की नियुक्ति को चुनौती भी दी है। कोर्ट अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई करेगा। भट्टी ने तर्क दिया है कि जब सैनी को सीएम पद की शपथ दिलाई गई, उस समय राज्य विधानसभा में पहले से ही अधिकतम 90 विधायक थे, इसीलिए सैनी को नियुक्त नहीं किया जा सकता था। सैनी ने भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद पद से इस्तीफा नहीं दिया है, इसीलिए राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिला सकते हैं। दरअसल 12 मार्च को अचानक ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद बीजेपी विधायक दल ने नायब सिंह सैनी को नेता चुना और 12 मार्च को ही नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, लेकिन अब उनकी कुर्सी संकट में दिखाई दे रही है। हरियाणा के सीएम फंसते दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पीएम मोदी भी फंसते दिख रहे हैं। उनके खिलाफ 3 दिन में आचार संहिता उल्लंघन की 3 शिकायतें हो चुकी हैं और अब कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिए हैं। तो क्या कहा है कांग्रेस ने, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर आरोपों के सिलसिले तेज हो गए हैं। एक तरफ बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम मोदी देश भर में रैली कर रहे हैं, तीखे बयान दे रहे हैं और उनके बयानों पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत चुनाव आयोग में पहुंच गई है। विपक्ष ने पीएम मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की इस चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, लेकिन पीएम मोदी चुनावी नियमों की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे चुनावी प्रचार में सारी मर्यादाएं लांघ रहे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ चुनावी नियमों के उल्लंघन की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसे में देश की जनता जानना चाहती है कि चुनाव आयोग नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाला है। देश इंतजार में है, चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। आपको बता दें कि बीते दिन एक के बाद एक 3 शिकायतें चुनाव आयोग में दाखिल की गई। पीएम मोदी के खिलाफ टीएमसी सांसद ने आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रचार में सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करने का और पीएम की चिट्ठी में भाजपा का प्रचार करने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयानों के अलग मायने निकालते हुए उसे धार्मिक मोड़ देते हुए ध्रुवीकरण के आरोप लगाए। मामले में चुनाव आयोग की खामोशी ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग भी बिका हुआ है। पीएम मोदी पर चुनाव आयोग कब फैसला लेगा, सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। तो सवाल उन दावों पर भी उठ रहे हैं जिसमें पीएम मोदी ने 400 पार का नारा दिया था, क्योंकि चुनावों को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बीजेपी अपने ही गढ़ में बुरी तरह से हारती हुई दिखाई दे रही है। तो कहां मिल रही है बीजेपी को हार, देखिए ये रिपोर्ट। कन्नड़ समाचार पोर्टल इदीना ने राज्य में लोकसभा चुनावों को लेकर सर्वे किया है और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट पेश की है उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए हैं। राज्य में बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है जबकि कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। 15 फरवरी से 5 मार्च के बीच किए गए इस सर्वे में साफ हुआ है कि राज्य में विधानसभा चुनावों के बाद से कांग्रेस का समर्थन तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर राज्य सरकार की योजनाओं के चलते महिलाओं में कांग्रेस के समर्थन में तेजी आई है।
सर्वे में राज्य की 28 सीटों में से कांग्रेस 17 सीटों पर जीत हासिल करती दिखाई दे रही है, जबकि 2019 में उसे सिर्फ एक सीट मिली थी, जबकि बीजेपी और जेडीएस गठबंधन को 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 2019 में बीजेपी को 25 और जेडीएस को एक सीट पर जीत मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 43.77% और बीजेपी जेडीएस को 42.35% वोट मिलने के अनुमान है। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका तो पीएम मोदी की लोकप्रियता को लेकर लगा है, क्योंकि बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में जब कर्नाटक के लोगों से मोदी सरकार के तीसरे टर्न को लेकर सवाल किया गया तो सिर्फ 45% लोग ही मोदी सरकार को तीसरा टर्न देने के समर्थन में दिखाई दिए। मोदी सरकार की नाराजगी के पीछे सबसे बड़ा कारण महंगाई और बेरोजगारी को माना गया है, जो इस चुनाव में बड़े मुद्दे बनते दिखाई दे रहे हैं। जबकि राज्य की सिद्धारमैया सरकार को लेकर कहा गया है कि कांग्रेस सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं उनका जनता के बीच बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं को बेहतर बनाने वालों की संख्या 40% और केंद्र की योजनाओं को समर्थन करने वालों की संख्या 20% रही, जिनका कांग्रेस को चुनाव में बड़ा लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। बीजेपी को कर्नाटक में बड़ी हार मिलती दिख रही है। 5 साल में बाजी पूरी तरह से पलट गई है। खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी मुश्किल में है, तो देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी भी मुश्किल में हैं। एक दिन पहले अडानी ग्रुप की तरफ से अमेरिका में चल रही जांच को लेकर बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 24 घंटे में अडानी ग्रुप अपने बयान से पलटी मार गए। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। अडानी ग्रुप का बड़ा झूठ पकड़ा गया है। अब तक अडानी ग्रुप की तरफ से दावा किया जा रहा था कि हमारी कंपनियों के खिलाफ अमेरिका में रिश्वतखोरी की कोई जांच नहीं हो रही, हमें इस संबंध में कोई नोटिस नहीं मिला है। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आती जा रही है, अडानी ग्रुप भी अपने बयान से पलट गया है और अब अडानी ग्रुप की तरफ से कबूल किया गया है कि उसकी एक कंपनी को लेकर जांच चल रही है। ग्रुप की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी ने इस बारे में जानकारी होने की बात कही है। अडानी ग्रीन एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि तीसरे पक्ष की तरफ से अमेरिकी भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों के उल्लंघन की जांच के बारे में उसे जानकारी है। हालांकि कंपनी ने तीसरे पक्ष के साथ किसी भी तरह का संबंध होने से मना कर दिया है। अडानी ग्रीन एनर्जी ने आरोपों का ब्यौरा भी नहीं दिया, जबकि इस मामले पर वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन ने अपने एक नोट में कहा कि इस जांच से संबंधित ब्यौरा बहुत कम है और इस जांच से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि इसका सीमित वित्तीय और मौलिक प्रभाव पड़ सकता है। जेपी मॉर्गन ने कहा, इन खबरों पर हमारी राय है कि अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम से ऐसी जांच का कानूनी आधार बनता है। जेपी मॉर्गन ने दावा किया है कि जांच अडानी ग्रीन एनर्जी से संबंधित हो सकती है। आखिर अडानी ग्रुप ने मान लिया है कि अमेरिका में उसके खिलाफ जांच चल रही है, अब निगाहें जांच की रिपोर्ट पर रहेंगी। तो दूसरी तरफ देश में इस समय चुनाव चल रहे हैं और चुनावों से पहले चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां आज केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर किया। तो क्या है इस हलफनामे में, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले केंद्र सरकार ने 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। आनन फानन में की गई ये नियुक्ति मोदी सरकार के लिए आसान नहीं थी। इस नियुक्ति पर विपक्ष रोक लगाने की मांग कर रहा था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। ये याचिका कांग्रेस कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की थी। पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और 20 मार्च को केंद्र ने कोर्ट में हलफनामा देते हुए मामले में अपना जवाब दाखिल किया। केंद्र ने कहा कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज का होना जरूरी नहीं। सरकार का मत है कि विपक्ष की ये दलील आयोग की स्वतंत्रता तभी होगी जब सिलेक्शन पैनल में कोई जज जुड़ा हो। ये गलत है। इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था है और इस याचिका का मकसद सिर्फ राजनीतिक विवाद को खड़ा करना है। आपको बता दें, कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अपनी याचिका में नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को रोकने की बात कही थी। नए कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित कमेटी में पीएम समेत विपक्ष का एक नेता और एक केंद्रीय मंत्री शामिल है, जिस पर विपक्ष का आरोप है कि इस चयन प्रक्रिया के तहत सरकार की पसंद से ही नियुक्ति की जाएगी, जिसे केंद्र ने अपने हलफनामा में महज राजनीतिक विवाद करार दिया है। और बुलेटिन के आखिरी में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर।
फुल टाइम योग गुरु से फुल टाइम उद्योगपति बने बाबा रामदेव की दवाइयों के विज्ञापन अब उन्हें अदालत के दरवाजे तक ले आए हैं। ये वही विज्ञापन है जिन्हें देखकर उनके करोड़ों अंध भक्तों ने उन्हें रातों रात अरबपति बना दिया था। अब ये वही सवालों के घेरे में आ गए हैं। देखते हैं बाबा को कौन सी दवा उन्हें इन हालातों से बचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।